हेलो एवरीवन, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोचा कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला और यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुँचे और फिर उस खाली जगह को देखकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उन्हीं की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से ही मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं इसे जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करा दिया गया कि सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राजा राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच ही रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग नहीं पसंद आई तो इसे सजा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर के आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजने लगी, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम अब दिया। आप भी यही सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि अब तक की वह सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में जब भी आप किसी भी मुकाम पर हों, किसी भी संकट में फंस जाएं, यदि आप सकारात्मकता के साथ में यदि उस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रेम से रहिए।